25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है। केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल मार्ग को साफ किया जा रहा है। लो पहले का रास्ता कटिंग किया हुआ रास्ता ये है और यहाँ से देखो इधर तो खतरा बढ़ गया पहले से भी। लेकिन मार्ग से बर्फ हटाने वाली टीमों को बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही वो लोग मार्ग साफ करके आगे बढ़ते हैं, तभी फिर बर्फबारी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। देखिए पूरा ये बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ देखिए इतना बड़ा बड़ा ढेर आके बैठा हुआ है। निशान नहीं है, गोल गोल पूरा पत्थर से भी ज्यादा पत्थर आया हुआ आगे बैठा हुआ है। आदमी भी चल नहीं पा रहे। देखिए ये तो बेल्ट से भी नहीं जाएगा, काटना पड़ेगा इसको। जाके नीचे ढेर लग के आया हुआ, ऊपर से टूट टूट के आया हुआ पूरा। आज केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरा में ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। ग्लेशियर से मार्ग की तबाही देख वहां काम कर रहे श्रमिक भी हैरान हैं। ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग भी बंद हो गया है। ये पूरा ये देखो कहां से था कटिंग किया हुआ कुछ मालूम नहीं। यहां से यहां पूरा ये देखो, यहां देखो जी ये ग्लेशियर तो अब आया उधर। उस टाइम का ग्लेशियर क्या ग्लेशियर, अब का ग्लेशियर हुआ ऐसा देखो ये। केदारनाथ धाम में पिछले एक सप्ताह से लगातार बर्फबारी हो रही है, इस कारण पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। वहीं श्रमिकों को पैदल मार्ग साफ करने में भी बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। हमने इस साइड से वो किया था, हमारा फेंका हुआ रास्ता यहाँ से था। ये पर गो ये पूरा ये निशान मिट गया इसका, ये पूरा नामो निशान नहीं है और ज्यादा ढेर लग गया। ये श्रमिक कामना कर रहे हैं कि बर्फबारी बंद हो तो काम को आगे बढ़ाएं। ये कहाँ से आया था, ये कहाँ रुका हुआ था, आज तक इतना बड़ा ये ग्लेशियर आज आया ये। ओहो ध्यान देखिए ऊपर से पूरा गड्ढा बना के नाली बना के नीचे गया हुआ, यहाँ पे पूरा भर दिया। रुद्रप्रयाग से ईटीवी भारत के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।